क्योंकि किसान बड़ा चतुर है, विद्वान है, सियाणा है, अपनी हर बात को समझता है कि कौन लोग तुम्हारे साथ हैं कौन नहीं है। देखते हैं, मैं सीधी उंगली से की निकल जाता है पर नहीं निकलता दिखा, आखिर में टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी सरकार के साथ, और कोई जरिया नहीं। वो दिन MSP के बात का पर बात तो इसने सारी नो कही थी, मैं 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा, काला धन 100 दिन में वापस ला दूंगा। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज। जैसा कि किसान आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, इसी कड़ी में यहाँ पर पंजाब से भी लोग मौजूद हैं और हरियाणा से भी इस आंदोलन के अंदर, अभी हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, कभी हरियाणा के लोगों से मिलते हैं, कभी पंजाब के लोगों से, और एक सरकार के प्रति जो गुस्सा है उनके अंदर वो नज़र आ रहा है इन कानूनों को लेकर के, या ऑल ओवर जो दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर चाय बन रही है और सभी चाय पी भी रहे हैं, तो इस कड़ी में हम चाय भी पियेंगे, लड्डू भी खाएंगे और साथ में बातचीत भी करेंगे। सभी अंकल भी हैं, नौजवान दोस्त भी मौजूद है, तो सभी हैं यहाँ पर भी। तो क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, कहाँ से आए हो आप? गांव केसरेटी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, ब्लॉक सांपला। सांपला से, मतलब यहाँ पे आप बैठे हो परमानेंट या जैसे आसपास के एरिए से सामान देने के लिए आते हैं? हम 45 किलोमीटर यहाँ से आते हैं और हर रोज आते हैं, एक ट्रेली हम जो है ना सामान के भर के लाते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई बड़े दुखी हैं। एक ऊपर से सर्दी का मौसम है, दूसरी सरकार की मार है। इस सब को देखते हुए जो MSP था हमारा, उसने खत्म कर दिया सरकार ने, और हमारी जीनस है वो बिकने नहीं पाती। जो उचित मूल्य है हमारे वन नहीं मिल पाता, उसका विद्रोह करने के लिए तमाम हिंदुस्तान से यहाँ किसान हम इकट्ठे हुए हैं, और उन किसानों के इकट्ठे के जहाँ जहाँ भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो हम अपने ट्रैक्टरों से सामान और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर 26 तारीख से आंदोलन चल रहा है लगभग, तो 26 तारीख से हर रोज यहाँ पे आ रहे हैं? 26 तारीख से लगातार, एक ही नहीं, हर रोज 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40, हजारों किसान जो है ना अपने ट्रैक्टर को लेकर के, और इस युद्ध के अंदर जो किसानों का युद्ध है, जो सरकार के खिलाफ है, जो हमारी MSP के खिलाफ है, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारे किसान, हिंदुस्तान के हर किसान, हर मजदूर हमारे साथ है, और 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ, हमारा साथ दे रहे हैं। और जब तक किसानों का ये रुझान है और कहना है कि जब तक इन 3 कानूनों को सरकार संवैधानिक तौर पर से हटा नहीं लेती, जब तक किसान अपनी समय पर, अपनी जगह पर अडिग रहेंगे और अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। क्या लगता है, जैसे सरकार टस से मस नहीं हो रही, सरकार कहीं ना कहीं मतलब एक बैकफुट पे तो गई है, लेकिन वो इन 3 कानूनों को रद्द करने की बात नहीं कर रही, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या मान जाएगी? सरकार के साथ हमारा टकराव नहीं है, हमारा एक ही बात है, जब तक सरकार जिस प्रकार से ढुलमुल नीति अपना रही है और हमारे को अनेक बार भरोसा देती है, लेकिन जो असली मुद्दा है उसको नहीं खत्म करना चाहती, इसी को लेकर के किसान भी एक संगठित होकर के और 36 बिरादरी के लोग संगठित होकर के ये चाहते हैं, जब तक इन 3 कानूनों को खत्म नहीं कर लेंगे हम अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो ये किसान सादत से पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कोई आपत्ति आई है तो किसानों ने अपने देश के लिए सादत दी है, अब भी अपनी इन जरूरतों के लिए, अपनी रोटी के लिए सादत देने के लिए तैयार बैठे हैं। इनमें आपकी सबसे मुख्य मांग क्या होगी? हमारी मुख्य मांगे है MSP संवैधानिक तौर पर उसमें अमेंडमेंट किया जाए, और जो हमारे नीतिगत जो किसान के हित में नहीं है दो जो कानून है उनको हटाया जाए, और किसान की जो जिस प्रकार से आढ़त बना करके मंडियां खरीदी जाती थी और कॉरपोरेट खेती भी खत्म की जाए, इसको लेकर के किसान अड़े हुए हैं। आप वहाँ पर कितनी जमीन की खेती कर रहे हैं अभी? 10 एकड़ की जमीन की खेती करते हैं, और 10 एकड़ की जमीन को हमारी को 2 एकड़ की खरीदी जाती है इस सरकार के अंदर, और बाकी की जो ना औने पौने भाव में किसान को घूम घूम कर बेचनी पड़ती है, जिसे किसान बड़ा दुखी रखता है। अगर सरकार MSP पे कोई ऐसा कानून बनाती है कि उससे अगर नीचे कोई फसल खरीदता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान करती है, तो फिर आपको क्या लगता है? किसानों की यही मांग है MSP को संवैधानिक तौर पर लोकसभा में जो है पारित करके वापिस लागू किया जाए संविधान के तौर पर, और उसकी संविधान के प्रति हमारे किसानों को, जो हमारे किसान हैं, जो किसान नेता हैं, उनको मुहैया कराई जाए। जब उससे संतुष्ट हैं तो हम हमारे धरने उठ जाएंगे, वरना अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई भी किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो आप और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात? कोई नहीं अंकल जी, बैठे रहो। आपका क्या नाम है? बलवान सिंह जी। बीच आप कहाँ से आए हैं जी?
हिसार से। हिसार से कितने लोग आए आप वहाँ से? हमारे गांव से 50 लोग है जी। 50 लोग, हाँ, 4-5 ट्रैक्टर है। हमारे पास वाला गांव है जोरा, 50 आदमी इस पर है, 4 ट्रैक्टर ले रहे हैं। अच्छा, 100 जो है 50-60 आदमी वहाँ से। अच्छा, आप वहाँ पे कितनी जमीन की खेती कर रहे हो अभी? 10 एकड़ की कर रहे हैं जी, 10-12 की। 10-12 आपके खुद के हैं या आप ठेके पे लेके कर रहे हो? कुछ ठेके पे ले लिया, 10 एकड़ मारी है। अच्छा, 10 एकड़। तो सरकार की तरफ से क्या लगता है आपको, जैसे टस से मस नहीं हो रही सरकार है? नहीं हो रही तो हो जाएगी, हम के डिगने वाले, हम नहीं डिगते। तो आप जब क्या तक सरकार ये तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बैठ के तो बैठ के 6 महीना का राशन हम ले रहे हैं और भाई मारे लेना के आने लग रहे हैं, हम किसी तरह से भी उल्टे नहीं हटाएंगे। तो सरकार कितनी भी वो कर लो, तो आपकी इनमें सब देखते हैं। मैं सीधी उंगली से की निकल जाता है पर नहीं निकलता दिखा, आखिरी में टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी सरकार के साथ, और कोई जरिया नहीं। तो जैसे आपको सरकार अभी आज का जो था कि टोल प्लाजे सब मतलब फ्री कर दिए जाएंगे और करवा लेंगे, नहीं करेंगे तो देंगे हमें? नहीं, आज कर दिए वैसे कई जगह पर जो किसानों के हित में किए जी, किसानों ने उतना जोर जबरदस्ती की, किसानों अपने सम्मान के लिए उन्होंने हमारे को समर्थन दिया टूल ने, आके जितने भी किसानों के ट्रैक्टर आएंगे किसी को भी निशुल्क निकाला जाएगा, किसी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन किसानों ने हमारे साथ ये जुड़ करके और हमारा समर्थन किया है किसानों का। जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे अगर जाम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार पे सीधा असर पड़ेगा इसका, ये और भी मतलब सरकार की जो एक टांग हो रहा है वो भी टूट जाएगी कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि वो पूरा आईटी सेक्टर है वहाँ पे, वो देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो आज जैसे जाम करने की बात की गई है कि आज 12 तारीख को उसको जाम कर देंगे किसान, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या असर होगा सरकार को? देखो, प्रजातंत्र में एक नियम होता है, जहाँ संगठित हो जाते हैं और प्रजातंत्र में वोट की चोट होती है और प्रजातंत्र में जनता की चोट होती है, और तो हमारे किसान इतने संगठित हैं, अगर ऐसे सरकार नहीं मानेगी तो वो संघर्ष के लिए जा रहे हैं और तमाम जितने रास्ते दिल्ली के अंदर घुसते हैं कहीं से भी जो है ना उनको आने नहीं दिया जाएगा, और वो सब रास्ते जाम कर देंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। कोई और किसी? तो क्या नाम है जी आपका? भीम सिंह जी। तो आपको क्या लगता है जैसे सरकार की इन मांगों से, सरकार मतलब जो भी पीछे कदम नहीं हटा रही सरकार, तो आपको क्या लगता है? हमें जेड़े बैठे रहेंगे, जाएं बैठे रहोगे? बैठे रहोगे। कहाँ से आए आप? जेवरा से जी। ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट? हिसार जिला। हिसार जिला, हाँ जी। तो आप कितने लोग, आप मतलब एक साथ ही आए हो यहाँ? हमें जी हमारे 50 आदमी है, 4 ट्रैक्टर है। अच्छा, तो मतलब पूरा बुरिया बिस्तर बांध का है? पूरा सौदा ले रहे हैं जी। तो फिर सरकार तय आपकी, वैसे इनमें मुख्य मांग क्या है आपकी? ये तीन मांग है जी, तीन मांग है, मतलब तीनों रद्द जब तक नहीं करेगी तब तक बैठे रहो। तो और भाई किसी ने बात रखनी है? हाँ भाई, एक नौजवान हो रहा है हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? राम है जी मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं जिला रोहतक ब्लॉक सापला गांव के सरेंटी, हम कम से कम 30-40 किसान आए हुए हैं वहाँ से, करीबन रोज ही आते हैं, और यहाँ हम इस चीज़ से परेशान हैं। हमारे यहाँ भैया ना 15-16 दिन हो चुके हैं, सर्दी में बारिश में सभी मुसीबत झेल रहे हैं, और ये सरकार क्या कर रही है, ढकोसला बना रही है खाली, ये कह रही है ये कर देंगे वो कर देंगे, करना है नहीं कुछ भी, आखिर में अपने भैया जूत बजवा देंगे ये। और हमारी यही मांग है जी, हमारी जो तीनों बात है ना, ये तीनों मांग वापसी ली जा, यही हमारी डिमांड है जी। जब तक सर प्राइवेट कर दिया सबको, इन्हें रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, इन LIC बेच दी, पेट्रोलियम बेच दिया, ये भी एक किसान के पास चला गए हैं। ये भी इसने भी इस पूंजीपतिया के हवाले करना चाहे हैं, MSP खत्म करना चाहे हैं, और इन बर्बाद करना चाहे पूंजीपतिया के हवाले करके, पूंजीपति न लूट लेंगे, पर या नई शिक्षा नीति लागू करी है या भी मारण पर लाग रही है, इस छात्रा का बेरोजगार इतने बना दिए देश में, बेरोजगारी की हद नहीं रह रही, इतने बेरोजगार हो रहे हैं देश में, सारी की सारी जो सरकारी कंपनी थी उनको प्राइवेट कर दी हैं, 23 कंपनी ने जो सरकारी थी वह बेच दी, और देश में बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी की दर हरियाणा में तो सबसे बड़ी हो रही है, 33% बेरोजगारी दर हरियाणा में सबसे फालतू हो रही है। और खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नू का है आके मोदी MSP की बात का, पर बात तो इसने सारी नू कही थी, मैं 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा, काला धन 100 दिन में वापस ले दूंगा, कड़ा गए नोटबंदी करी इसने 50 दिन मांगे थे, कुछ नहीं होया, यार तो ये भी की बात आप कुकर विश्वास कर लेगी जनता। तो दुष्यंत चौटाला के बारे में आप क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला जब तक सरकार से
अपना इस्तीफा नहीं लेता, हम दुष्यंत चौटाला को अपने साथ नहीं मानते, क्योंकि जब खुल करके जब हमारे जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसान का साथ दे रही हैं और किसान के साथ कर करके वो गवर्नर से टाइम मांग रहे हैं कि हमारे को प्रस्ताव रखा जाए और हमारी विधानसभा का सत्र बुलाया जाए इमरजेंसी, और उसमें हम देखेंगे किसान हमारे साथ कौन खड़ा है। अगर हमारा भाई दुष्यंत चौटाला अगर हमारे साथ किसानों के साथ खड़ा होता है उस विधानसभा में, किसानों की तरफ बैठता है, तो मान लेंगे किसानों के साथ है। लेकिन अभी तक नहीं। तो नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ है, लेकिन बोलता है मैं किसानों का बेटा हूँ, किसानों का पोता हूँ, किसानों का ये हूँ, लेकिन कहीं लग नहीं रहा जैसे उनकी बातों से अभी तक कि वो अपना पद छोड़ के किसानों के साथ आकर के बैठेगा। अब तक तो ऐसे हमारे को भी नहीं लग रहा, किसानों को भी, क्योंकि किसान बड़ा चतुर है, विद्वान है, श्याणा है, अपनी हर बात को समझता है कि कौन लोग तुम्हारे साथ हैं कौन नहीं है। लेकिन 36 बरादरी का हमारे किसानों के साथ हैं और हम राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहते। राजनीति लोग सही यहाँ से किसानों से दूर रहें, वो हमारा समर्थन बहुत करें, हम चाहते हैं सब समर्थन करें, लेकिन इसलिए मुद्दा हमारे किसानों का है, हम अपने किसानों के हित के लिए हम किसान होते हुए लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक नहीं मिल जाएंगे। बैग न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। ये हरियाणा से अलग अलग जगह से आए हुए किसान थे, हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने कहा यही था कि जब तक सरकार किसान एकता